लगातार 2 दिन, और इस लगातार 2 दिन में यहाँ पे 20% का गिरावट हर एक दिन देखने को मिला है। जी हाँ, पेटीएम के स्टॉक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट पिछले 2 दिन में 36% टूट चुका है। और देखा जाए तो अपने यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस से, जी हाँ, जो प्राइस इश्यू हुआ था उससे 80% के करीब में ये स्टॉक टूट चुका है। अब ऐसे में इन्वेस्टर ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, पेटीएम मनी है जहाँ से हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और जो ये गिरावट हुआ कल के दिन, जो मैंने वीडियो ले आपके सामने रखा था कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन कैसे म्यूचुअल फंड के साथ है, वैसे म्यूचुअल फंड में कितना गिरावट हुआ वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। एक और पॉइंट पे हम विश्लेषण करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें, और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में अपना रिटर्न हाई करना चाहते हैं, एक सही समय पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे साइड से आपको लमसम का एडवाइस जाएगा। जी हाँ, इस एडवाइस से सालाना आप 4 से 5% ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो, और हम उस पॉइंट पे आपको एडवाइस करेंगे जहाँ से मार्केट आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा। जी हाँ, चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। तो पेटीएम के शेयर की बात करें तो कल के दिन भी 20% का गिरावट हुआ, आज के दिन भी ऑलमोस्ट 20% का गिरावट देखने को मिला। सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो एफआईआई के साइड से लगा हुआ है। एग्जिट का कॉल अभी यहाँ पे किसी को नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप देखते होंगे लोअर सर्किट लगता है, जैसे मार्केट ओपन होता है 20% का गिरावट। देखो, किसी को भी यहाँ पे बेचने का मौका नहीं मिल रहा है। अब ऐसे स्थिति में आने वाले समय में आपको बस इंतजार ही करना पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा। देखो, इन्वेस्टर का सबसे बड़ा क्वेरी क्या है कि क्या पेटीएम मनी पे भी असर पड़ेगा। तो आरबीआई के साइड से जो इन्फॉर्मेशन आया है वो सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक पे है, वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि पेटीएम मनी अदर बिजनेस को बंद किया जा रहा है। जो भी बिजनेस पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है, जी हाँ, उस पर असर पड़ सकता है, यहाँ पे पेटीएम मनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो पेटीएम मनी है वो सेबी के अंदर है, इट मीन्स कि यहाँ पे सेबी का लाइसेंस है, और ऐसे में पूरा कंट्रोल यहाँ पे सेबी का है, और सेबी के साइड से कुछ भी ऐसा नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं आया है जिसके चलते हम कह सके कि आने वाले समय में पेटीएम मनी पे भी कुछ असर पड़ सकता है। हम जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं पेटीएम में, वो पेटीएम मनी के थ्रू करते हैं, और आरबीआई के साइड से कोई भी ऐसे पॉइंट को लेकर इंफॉर्मेशन पास नहीं किया गया है कि पेटीएम मनी पे भी कुछ इसका असर होगा। और आपका पैसा ऐसे ऐप के पास भी नहीं है, आपका पैसा म्यूचुअल फंड हाउस के पास है। अगर कुछ होता भी है तो एग्जैक्टली आपका पैसा सिक्योर है, आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो। कुल मिला के ये समझो कि आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई भी असर नहीं होगा और पेटीएम मनी पे भी कोई असर नहीं होगा। चलिए अब हम जानते हैं कल के दिन जो 20% का गिरावट पेटीएम में देखने को मिला था उसमें सबसे ज़्यादा असर किस म्यूचुअल फंड पे देखने को मिला है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यूटीआई इनोवेशन का जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, और वैसे में अगर हम देखें तो यहाँ पे यूटीआई इनोवेशन फंड ऑलमोस्ट 1.52% कल टूटा है। ये जो एनएवी का आपको मैं गिरावट दिखा रहा हूँ ये कल का एनएवी है, आज का एनएवी आपको मैं कल एडवाइस करूंगा कि एग्जैक्टली इस म्यूचुअल फंड में कितना दबाव देखने को मिला है। दूसरा, अगर मैं आपके सामने डाटा रखूं, जी हाँ, क्वांट टेक फंड की बात करूं तो यहाँ पे 0.38% का गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे निपुण इंडिया इनोवेशन फंड की बात करूं तो यहाँ पे 0.54% का गिरावट देखने को मिला है। मिराय एसेट फोकस्ड फंड में, जी हाँ, यहाँ भी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, हालांकि अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ एयूएम के अकॉर्डिंग तो काफ़ी कम है, यहाँ 0.60% एनएवी में गिरावट दर्ज किया गया है। वैसे ही अगर मैं कुछ और फंड रखूँ जैसे कि मिराय एसेट लार्ज के फंड, 0.23% का गिरावट है। अगर देखा जाए तो मार्केट में कल बहुत बड़ा गिरावट नहीं था, लेकिन पेटीएम के स्टॉक्स में गिरावट के चलते ऐसे म्यूचुअल फंड में दबाव देखने को मिला है। लेकिन मैंने कल बताया था इन्वेस्टर को जो वाकई में काफ़ी डर रहे हैं कि ऐसे स्थिति में अपने म्यूचुअल फंड के साथ क्या करना चाहिए, जिसमें यहाँ पे पेटीएम का एलोकेशन ज़्यादा है। जी हाँ, कल का वीडियो आप वॉच कर सकते हो, आप इजीली समझ सकते हो कि क्या करना चाहिए। चलिए अब मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से लेके कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ। सेबी ने यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए एमफी से कंसल्ट किया है कि जो स्मॉल कैप और जो मिड कैप फंड है पिछले 1 और 1.5 साल में जो इतना ज़्यादा इन्फ्लो आया है, रिटेल इन्वेस्टर के साथ इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है,
क्या अगर ऐसे स्टॉक्स में गिरावट होता है तो क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें ऐसे म्यूचुअल फंड में काफी गिरावट हो तो क्या इन्वेस्टर को यहाँ पे एग्जिट कॉल लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? क्या यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे इन्वेस्टर का पैसा समय रहते हुए दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? इस बात को लेके जी हाँ, सेबी ने यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए एमफी से कंसल्ट किया है। लेकिन इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत कुछ खुल के बातें नहीं हुई है। जी हाँ, अभी कोई भी ओपनली इस पे बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट स्ट्रेस टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और ऐसे में सेबी को यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला। लेकिन सेबी ने कई ऐसे सिचुएशन दिए हैं, जी हाँ, उस सिचुएशन के बेसिस पे यहाँ पे दूसरा और तीसरा भी स्ट्रेस टेस्ट देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में जैसे कोविड का सिचुएशन था, वहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूट गया था और कई ऐसे म्यूचुअल फंड में 40 से 50% का गिरावट देखने को मिला था। कई ऐसे फंड थे, स्पेशली मैं अगर डेट फंड की बात करूं तो फ्रीज हो चुके थे। तो क्या कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट हुआ, ये फंड सह सकते हैं और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? इन सारी बातों को पहले से ही सेबी कंफर्म करना चाहती है कि आने वाले समय में इन्वेस्टर को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि देखो क्या हुआ है, पिछले 1 और 1.5 साल में इन्वेस्टर ने ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप में भर भर के पैसा लगाया है। अब जब आप इतने भर भर के पैसा लगाए हो तो एग्जैक्टली वो पैसा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में लगा है। कई ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं का आज से 1 साल पहले कैपिटलाइजेशन के मामले में 2 से 3 हजार करोड़ का कैपिटलाइजेशन था, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक ही साल में ऐसे स्टॉक्स का कैपिटलाइजेशन 2.5 गुना बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के साइड से स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया गया और ऐसे स्थिति में क्या ऐसे स्टॉक्स में अगर गिरावट हुआ तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना माल कुछ बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा? जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, क्या उनको अपना सही समय पे पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? इन सारी बातों का स्ट्रेस चेक हो रहा है और इस बात से इन्वेस्टर को भी वाकिफ होना चाहिए। जी हाँ, अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलो। अगर देखो मार्केट में गिरावट भी हो तो यहाँ पे आपका फंड में बहुत बड़ा नुकसान देखने को ना मिले, आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा नुकसान देखने को ना मिले। आपका क्या राय है इस सारे पॉइंट्स को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को देखिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अभी स्टार्ट करें, फिर लेकिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।